केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन के महाकाल और आगरमालवा के नलखेड़ा में पूजा अर्चना की। सिंधिया पहले महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और इसी मौके पर उनके साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह भी साथ रहे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूं तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता, और हर बार जब आता हूं तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में नई ऊर्जा के साथ यहां से मैं रवाना होता हूं। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से आस्था और श्रद्धा से भरी तस्वीरें सामने आई। भीषण गर्मी के बीच दिव्यांग दंपत्ति ने दर्शन किए। शारीरिक समस्या पर दर्शन का जज्बा भारी नजर आया। भारी भीड़ के बीच मंदिर पहुंचकर दिव्यांग दंपत्ति ने दर्शन किए। दरअसल बड़वानी जिले के दंपत्ति यहां पहुंचे थे। पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद ये मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में जाकर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं आम हो चली हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से आगजनी की खबरें सामने आती रहती हैं। दिल्ली और राजकोट की घटना से सबक लेते हुए भोपाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसे लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि शहर में फायर ऑडिट करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। स्कूल्स, कोचिंग, पब, गेम जोन और रेस्टोरेंट जैसी भीड़ वाली जगहों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। देखिए, हमने फायर ऑडिट के टीएल में निर्देश दिए थे, हमारे आदेश भी जारी हो गए हैं और हम उसमें 144 का भी इशू करने जा रहे हैं। और हम ऐसे सारे प्रतिष्ठान, भले छोटे हो बड़े, जो सेंसिटिव प्रतिष्ठान है, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं डांस क्लास चल रही है या कहीं कोई बार है या कोई रेस्टोरेंट है, मतलब ऐसे बहुत से पटाखे की दुकान है, ऐसे सभी का फायर ऑडिट करा रहे हैं। हमने ये भी किया है जिनकी हमने एनओसी इशू करी हुई है उनको भी एक बार हम क्रॉस चेक करा रहे हैं कि कोई अगर एनओसी कहीं हमारे लेवल से भी कोई त्रुटिपूर्ण जारी हुई हो तो उसको भी हम करेक्ट कर सके थे दोनों के। एक तरफ प्रदेश भर में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खंडवा के जिला अस्पताल का सेंट्रल एसी बंद रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल बीती रात को फॉल्ट होने के कारण एसी बंद कर दिया गया था। 15 घंटे से ज्यादा समय तक एसी बंद रहने की वजह से मरीज पंखे और छोटे कूलर का सहारा लेते नजर आए। बता दें कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को गर्मी में घबराहट का सामना करना पड़ रहा है। का आज छठा दिन है और गर्मी अपने शबाब पर है। खंडवा में पारा लगातार 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। इस वक्त हम खंडवा के आईसीयू के बाहर मौजूद हैं। आईसीयू के अंदर जो है ऐसे मरीज भर्ती किए जाते हैं जो गंभीर होते हैं और जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर बीती रात से ही जो है यहाँ का सेंट्रल एसी जो है वो बंद हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, और जो गर्मी की वजह से जो गंभीर मरीज हैं उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। यहाँ उनके जो परिजन हैं वो भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपने किन को भर्ती किया है और क्या कुछ स्थिति? यहाँ मेरी श्रीमती जी भर्ती हैं, कंचन सिंह है ना, और दो दिन से भर्ती हैं, यानी मतलब कल रात से ही, यानी मतलब यहाँ इन्होंने बताया। मैं सवेरे 6 बजे करीब आया तो यहाँ ऐसे बंद था, यानी मतलब रात से ही बंद है। क्या दिक्कतें हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पंखे वंखे हैं नहीं कुछ, तो दिक्कत आती है उससे, यानी मतलब। क्या कुछ यहाँ का स्टाफ या जो जिम्मेदार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आपसे बात, आपकी बात हुई? हाँ, उनको मैंने यानी मतलब इस पर सूचित भी किया, यानी मतलब, और उन्होंने बोला कि यानी मतलब तुरंत ही व्यवस्था की है टेक्नीशियन की, चूँकि सेंट्रल एसी है तो उसका हर कोई काम नहीं करता है, मतलब उनको बुलवाया गया, काम चल रहा है। अंदर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की? हाँ, उन्होंने कूलर वगैरह लगा दिए थे
तो उससे मतलब काफ़ी आराम है मतलब। तो ये जो है खंडवा के जिला अस्पताल के बाहर जो यहाँ पर आईसीयू है उसका नज़ारा है। यहाँ सेंट्रल एसी बंद है और जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो गंभीर मरीज हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। ग्वालियर एसटीएफ ने श्योपुर जिले के दो निजी डीएड और बीएड कॉलेजों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला श्योपुर का है। श्योपुर जिले के वीरपुर कस्बे में संचालित मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय और बड़ौदा नगर के प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है, जिन पर एसटीएफ ने मामला दर्ज किया। इन कॉलेजों के संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर एनटीसीई दिल्ली और जिवाजी महाविद्यालय ग्वालियर से मान्यता प्राप्त की थी। जिले के दो निजी डीएड और बीएड कॉलेजों के खिलाफ ग्वालियर एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने इन दोनों कॉलेजों पर धोखाधड़ी सहित अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन कॉलेजों के संचालकों सहित अन्य लोगों पर ये कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इन दोनों कॉलेजों के द्वारा ग्वालियर जिवाजी यूनिवर्सिटी और दिल्ली एनसीटी से फर्जी दस्तावेज लगा करके मान्यता प्राप्त की थी। इस मामले में जाँच के दौरान कॉलेज प्रबंधकों को दोषी माना है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये दो कॉलेज हैं जिनमें एक वीरपुर में माँ सरस्वती महाविद्यालय के नाम से संचालित है और दूसरा बड़ौदा में संचालित है, जिनके खिलाफ एसटीएफ के द्वारा कड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दीपक रंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।